अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं 9th क्लास फिजिक्स। और आज के लेक्चर की सबसे अहम तरीन बात यह है कि आज के लेक्चर में हम जो आपका स्मार्ट सिलेबस है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, आप यूँ समझ लें कि एज अ होल आपको एक गेस्ट पेपर जो है ना वो इस लेक्चर के अंदर दिया जाएगा। अब देखें, सिंपल सी बात है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सारे के सारे कम्प्लीटली इस लेक्चर के अंदर बताए जाएंगे ना, आप इन्हें एक दफ़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है जी। मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कहने वाला, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है ना वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी पेपर में से ही बनेंगे। आप ज़रा गौर कीजिएगा, आप ये लेक्चर अपने पास संभाल के रख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लिहाजा मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, ठीक है। और फिर उससे आगे जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको ये बताऊँगा कि किस शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है, और कितना लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, शॉर्ट क्वेश्चन बाजू का हाफ लाइन का एक लाइन का आंसर देके आ जाते हैं, या अगर किसी को बहुत अच्छे से आता है तो वो पूरे का पूरा पेज भर के आ जाते हैं। तो भाई ये गलत है, इस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट नहीं करना। ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वान्टिटीज, ठीक है जी, और इसकी एग्जाम्पल्स आपने देनी है। रोल SI यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट साइंस, ये क्वेश्चंस आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, चेंज 15 इयर्स एज इन सेकंड्स, तो यहाँ पे 15 ईयर की जगह कुछ भी हो सकता है, तो आपने इसको ये देखना है कि आप ईयर्स को आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, असल में क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। आप एक काम करें, रजिस्टर लें और इन क्वेश्चन को आप नोट करना शुरू कर दें। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखें। अब इसके बाद है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, गिव एग्जांपल्स, डिफाइन बेस यूनिट, गिव एग्जांपल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन साथ में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। राइट टू रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखें, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आपने इसका डिफरेंस के लिए आपने टेबल लाजमी बनाना है, ठीक है जी, क्योंकि टेबल की जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और उसमें आपने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। जैसे आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो दोनों की डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका यूनिट, दोनों का यूनिट लिखिएगा, साथ में दोनों का फॉर्मूला लिखना है, दोनों में स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है, तो ये सारी क्वांटिटीज़ आपने इस तरीके से खूबसूरत तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, बड़े आसान से क्वेश्चन चाहिए, ठीक है जी। राइट एंड, ठीक है जी, राइट एंड 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, और ये चैप्टर नंबर 2 के लास्ट वाला जो टॉपिक है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक रीजन वाला क्वेश्चन है, जैसे कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। अब देखें, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो मैंने क्या किया, इस लेक्चर के लास्ट पे इसके आंसर्स लिख के दे दिए, ठीक है। जस्ट आपने वहाँ से नोट करना है और अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 3, और इसमें आपके पास है स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, और इसके साथ साथ डिफाइन फोर्स, इसके साथ साथ फ्रिक्शन को भी आपने डिफाइन करना है। ये स्लैश का मतलब यहाँ पे ये दोनों डिफाइन आपने करना है, ठीक है, इन दोनों वीडियो पे लिखा होता है ना, तो कोशिश करें डिफरेंशिएशन में आप टेबल जरूर बनाएं, क्योंकि वो आपसे ही चाह रहा है कि आप इसको टेबल के फॉर्म में लिखें, ना कि अलग अलग करके इसको लिखें। न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन, इसकी कोई एक आसान सी एग्जाम्पल, जैसे आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद डिस्क्राइब द वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखें, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट भी है और साथ में ये रीजन वाला भी है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने लास्ट पे दिया हुआ है, वो आप लास्ट पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। और इसके बाद देखें, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, यस, इसकी रीजन मैंने बताई हुई है, ठीक है, आप लास्ट पे इसको चेक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना ये दोबारा से रिपीट हो गया, चलें कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट इट फार्मूला, ठीक है जी। इसका फार्मूला FC = mv² / r, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी बनाया जाता है, तो आपने ज़रा ध्यान रखना है। जैसे देखिए, FC = mv² / r, तो क्वेश्चन एक दफ़ा ये आ चुका है बोर्ड में कि जी अगर हम मैथ्स को डबल कर दें, क्योंकि ये MCQ तो लास्ट में इसी से आता है, अगर हम मैथ्स को डबल करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम रेडियस हाफ कर दें तो सेंटीपिटल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपने इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लेना है,
तो जो चेंजिंग आ रही होती है ना वही फोर्स के ऊपर होती है। क्लियरली। लेकिन नेक्स्ट आपके पास है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। और ये आपके पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा ही एक इसे कदर की निगाह से देखा जाता है। ये आ सकता है, मतलब इसका ये सीधा सीधा हाउ न्यूटन, इसमें देखें स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए जो फॉर्मूला, सिर्फ ये लिखना नहीं है, जस्ट आपने उसकी स्टेटमेंट भी लाजमी बतानी है। तो स्टूडेंट्स देखें चैप्टर नंबर 4 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और आप चाहें आपको अच्छा लगे ठीक है तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है जी। डिफाइन एडिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये दोनों डिफरेंट डेफिनेशन हैं और इनके आपको डिफ्रेंशिएशन डेफिनेशन जैसा आपने लिखनी है। डिफाइन एडिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, डिफाइन रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दो डेफिनेशंस हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पेजेस में आपको नजर आ जाएंगी। और इसके साथ नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन टॉर्क राइट इट्स यूनिट। अब देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार तो करना ही है, लेकिन आपने इसके साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके बाद है जी व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में से ये रीजन वाले 2-3 क्वेश्चंस हैं, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है ठीक है जी। वॉट इज सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन जो है वो आपको पता है इक्विलिब्रियम की, इसमें समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, वो आपने लाजमी लिखना है। ये देखिए ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 degrees विद एक्स एक्सिस। तो ये आपने लाजमी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है, आपके 4 चैप्टर के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ये आपने क्वेश्चंस इसका आंसर मैंने लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ से आप जरूर चेक कीजिएगा। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के आसान से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, सिंपल से चैप्टर्स हैं, सिंपल से सिलेबस है, फुल मार्क्स लें ताकि इसके मेहरबानी की वजह से, इसके अच्छे मार्क्स की वजह से आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स हैं ठीक है जी। तो स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन सेटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हाउ कैन द मास ऑफ अर्थ बी डिटरमाइंड। यस, हम अर्थ का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसकी मदद से जस्ट अब फॉर्मूला लिखें और आप बताएं कि हम इस फॉर्मूला की मदद से मास ऑफ अर्थ हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ भी इसमें साइंस यूज नहीं होनी। ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। प्रॉपरली इसकी हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन आपको ये उसी के अंदर एक डेफिनेशन मिल जाएगी। व्हाई इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस, इसका क्वेश्चन मैंने लास्ट में आंसर दिया हुआ है। और इसके बाद स्टूडेंट देखें चैप्टर नंबर 6, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है, और आप जरा गौर फरमाइएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास एंड वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है ठीक है। और इसके साथ साथ डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसके साथ साथ नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज मेंट बाय पावर, और इसके साथ साथ पावर का यूनिट वाट होता है ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वैसे बना दिए, ये इसके साथ भी लिखा जा सकता था, आप डरिए मत कि इतने सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जैसे आपने याद किए हुए होते हैं, बस आपने ये देखना है कि आपने इनको एक दफ़ा रिवाइज करना है, और ये सारे का सारा सिलेबस आपको एक ही जगह पर दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से तैयारी करें और आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। व्हाट इज मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, और ये आपकी तसल्ली के लिए ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिए, आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफाइन डेंसिटी, और ये सारा कुछ आपको पता है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयार किया गया है। डिफाइन डेंसिटी राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, डिफाइन प्रेशर एंड राइट फॉर्मूला, प्रेशर की डेफिनेशन आप लिखें पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, और इसके साथ साथ फॉर्मूले के साथ आपने इसका यूनिट भी अच्छे तरीके से तैयार रखना है, जो 1 pascal इज इक्वल टू 1 newton पर मीटर स्क्वायर होता है ठीक है। राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, भाई आप पास्कल लॉ वाले स्टेटमेंट के नीचे देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे 2 एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगे, इसमें एक हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जो है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती है ठीक है। डिफाइन इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट, ये आपको लास्ट वाला टॉपिक मिलेगा हुक्स लॉ से पहले वाला, इलास्टिसिटी और उसी के अंदर एक इलास्टिक लिमिट है हुक्स लॉ के अंदर याद करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्टेट हुक्स लॉ, स्टेट पास्कल लॉ, ये आपके पास है चैप्टर नंबर 7 के कुछ अहम तरीन गिने चुने शॉर्ट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 8, डिफाइन इंटरनल एनर्जी, डिफाइन स्पेसिफिक हीट, याद रखना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क का पता नहीं होता,
भी आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट जो है ये और चीज़ है, सी की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 kg मैस का अगर 1 Kelvin टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, भी थोड़ा सा सोच लिया करो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। जज्बाती नहीं होते, क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो फिर उसके बाद आपने उसका आंसर देना है, बड़े तरतीब से, बड़ी आराम से, तसल्ली से आपने आंसर देना है, ठीक है जी। डिफाइन लेटेंट हीट हीट ऑफ फ्यूल, और ये दोनों हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले के बगैर आप डेफिनेशन बिल्कुल मत लिखेगा, पेपर चेक करने वाले को गुस्सा आ सकता है, हम उसे बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। ओके जी, डिफाइन द टर्म वेपरेशन, देखिए डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए और इसके जो फैक्टर्स हैं वो उनके नेम जस्ट याद होने चाहिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, सो डिफाइन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक टेम्परेचर कोएफिशिएंट। स्टूडेंट आपको पता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो है उसमें आपको अल्फा और बीटा का डेफिनेशन भी नजर आता है, वो आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। डिफाइन हीट एंड टेम्परेचर, और ये इसी चैप्टर के फर्स्ट वाला डेफिनेशन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स आपके सामने, डिफाइन कंडक्शन थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, और याद रखें इसमें जब प्रूफ के बाद के की वैल्यू आती है ना लास्ट में तो उसका यूनिट भी याद रखना है, ठीक है। के की वैल्यू इस टॉपिक के लास्ट पे आपको के की वैल्यू भी, उसका यूनिट और उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि के इज़ अ कॉन्स्टेंट। राइट सम यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, ये इसी कंडक्टर के नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको नजर आ रहा है। डिफाइन कन्वेक्शन एंड कन्वेक्शन करंट, देखिए ये आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राइट अ नोट ऑन कन्वेक्शन करंट, ठीक है। इन एयर भी कहा जाता है कन्वेक्शन करंट इन एयर, ठीक है। और डिफाइन रेडिएशन, व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, और ये दो क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन, ये काफ़ी मशहूर मारूफ है कि सन से, सूर्य से हम तक हीट कैसे पहुँचती है, वो आपको पता है रेडिएशन एक फिनोमेना है जिसकी मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही जो है ना वो रेज हम तक पहुंचती हैं। नेम द फैक्टर्स इन विच द थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स, ठीक है। तो आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी वाले टॉपिक में जाएंगे, उसमें एरिया है और उसका जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, जस्ट आपने उनके नेम याद रखने हैं। अब देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि रीजन वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन था, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, येस अ बॉडी मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड कैन हैव, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कैन हैव एक्सेलरेशन, या आपने लिखना है कैन हैव एक्सेलरेशन, ओके। एग्जाम्पल देते हैं हम, मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड बट चेंजेस इट्स डायरेक्शन देन इट हैज एक्सेलरेशन, बस इतना सा आंसर बता दीजिएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड एक जैसी है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो सर्कुलर में है ना, तो वो तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो भी हमें पता है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे स्पीड जो है ना उसकी यूनिफॉर्म है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये तो खैर आपको पता है कि इसमें लेसर कॉन्टैक्ट सरफेस होती है, ठीक है, जो बेसिकली कोल्ड बेल्ट, मतलब दो सरफेस के दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा होंगे, जो कि स्लाइडिंग में ज़्यादा होते हैं, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। रोलिंग में क्या होता है, टायर लगा देते हैं, कोई और चीज़ इस तरह की, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। और इसी तरह वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इम्पॉर्टेंट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, यस अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ये आप इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप जरा याद रख लीजिएगा। व्हाई इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अस, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आप याद रखें। ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई से दो भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है जी। ये देखें, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाई कंडक्शन ऑफ अ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज, गैसेज में कंडक्शन क्यों जो है ना वो काम नहीं करती या उसमें टेक प्लेस नहीं होती, मतलब उसमें ये फिनोमेना नहीं देखा जाता गैसेज के अंदर कंडक्शन का, क्योंकि एक तो पहली बात है कि गैसेज के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होती है, तो इसीलिए हम दूर दूर होने की वजह से अपनी वो मेन पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के चेंज होने से उनकी मेन पोजीशन, मतलब वो अपनी एक जगह पे टिक के बैठते नहीं है, रुकते नहीं है, ठीक है। लिहाजा गैसेस के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर है वो कन्वेक्शन है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि कंडक्शन का जो प्रोसीजर है वो गैसेस में पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं, हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन, तो यह मैंने आपको पहले बता दिया, सिंपल आप रेडिएशन भी लिख देंगे ना, तब तो चेक करने वाला इंसान समझदार ही होता है, उसे पता चल जाता है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी कंप्लीट स्टोरी,
और ये पूरे का पूरा पैकेज है, और इसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है। अब आप पे है कि आप इससे फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अब देखें फिजिक्स का लेक्चर एक नहीं है, फिजिक्स सब्जेक्ट एक नहीं रहा, इसके साथ एक और सब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है। तो अब हमें इसकी मेहनत नज़र आ रही है कि हमें दो सब्जेक्ट के मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का चांस शायद दोबारा ना मिले आप लोगों को, लिहाजा आप इसके ऊपर मेहनत करें। कोई भी चीज़ पूछनी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, आप यकीन मानो इसको लाइक कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, हमारा काम था आपकी हेल्प करना, ठीक है जी। तो बस आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।